अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपका भाई ईशान एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। तो आज जनाब आखिरी रोज़ा है, 30वां रोज़ा है इस बार। वैसे पिछले 2-3 सालों से 29 रोज़े होते रहे और 30वां रोज़ा नहीं होता रहा, ईद होती रही है, लेकिन आज तकरीबन 2-3 साल के बाद 30वां रोज़ा हुआ है। तो चलें, अच्छी बात है ये भी। तो अब हम जाएँगे बाज़ार इंशाल्लाह, तो कटिंग वगैरह करवानी है, वो भी साथ आपको दिखाएंगे जो जो होगा इंशाल्लाह। आज आखिरी रोज़े में इंशाल्लाह आपको दिखाया जाएगा बाकायदा तौर पर, और सब सीन इंशाल्लाह आपको दिखाए जाएंगे जो जो होंगे। तो चलते हैं फिर, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं मुझे आगे जो कुछ होता है। आरिज भाई तो कटिंग करवा के आ भी गए हैं। आरिज भाई ने देखे कटिंग करवा ली है। आरिज भाई कहाँ से करवाई है आपने? बाजार से करवाई है। किसने काटे हैं आपके बाल? चाचू ने, ताकत ने जी, यही बात है। आज तो धूप काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी आज फील हो रही है काफ़ी ज़्यादा। कल की बनस्बत आज कुछ कम है वैसे, कल काफ़ी ज़्यादा थी, आज कल की तरह नहीं है वैसे। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ, अली भाई भी आ रहे हैं, वो गाड़ी पर आ रहे हैं क्योंकि गाड़ी को वॉश करवाना है, गंदी हुई है काफ़ी, वो भी वॉश करवानी है। मैं बाइक पर आ गया हूँ, सिकलैंड को आगे से पिक करूँगा। तो जाएंगे फिर बाज़ार, शॉप ही ओपन करनी है और कटिंग भी करवानी है, दोनों काम एक साथ करने हैं आज। और जी सिकलैंड भी आ गया है, तो सिकलैंड साहब को मेरे ख्याल में रोज़ा काफ़ी लगा होता है, लगा हुआ है मेरे ख्याल में इनको, यही बात है, रोज़ा लगा हुआ है आपको। चलें चलते हैं फिर इंशाल्लाह, देखते हैं आप आगे क्या होता है इंशाल्लाह। हाँ जी, तो शॉप पे पहुँच आया हूँ जी मैं। तो अली भाई सकलैन उधर कटिंग करवा रहे हैं, वो गए हुए हैं, तो मैं इधर ही हूँ अभी शॉप पर। तो मैंने सोचा चलें मैं शॉप खोल लेता हूँ इधर, वो जब आएंगे वापस कटिंग करवा के फिर इंशाल्लाह मैं जाऊँगा कटिंग करवा लूँगा। तो अभी मैं बैठा हुआ वेट कर रहा हूँ। तो फालतू आप देख सकते हैं बालू, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है कटिंग करवाए हुए, हथ करवाए हुए, तो इस वजह से जो है ना मतलब टाइम नहीं मिला कटिंग का। तो बाकी मैंने आपको कल बताया था कि कुछ टेंशन परेशानियाँ चल रही हैं, वो क्या थी वो इंशाल्लाह मैं एक छोटी सी सिंपल सी वीडियो भी बना दूंगा, वो आपको बता दूंगा कि क्या मसला हुआ था हमारे साथ इंशाल्लाह, वो मैं आपको बता दूंगा क्या इशू बना था। तो आप वेट करता हूँ, वो आएँगे तो फिर मैं जाऊँगा इंशाल्लाह कटिंग करवाऊँगा। हाँ जी, तो जाने लगा हूँ जी मैं अब कटिंग के लिए, वहाँ जाकर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, तो बाल वगैरह कटवा लिए हैं, सेटिंग वगैरह हो गई है। तो अब इधर से कोई मैंने कहा जूती वगैरह ले लें, ये चेक करते हैं कब कलर देखते हैं कैसा लगता है, वैसे ये सूट नहीं करेगा कोई खास इतना। अच्छी है जी। मैं ज़्यादातर लगाता हूँ खाली स्क्रीन साहब, और कोई दिखाएं खान साहब अपनी कोई अपनी मर्ज़ी से और कुछ दिखाएं ज़रा। इधर खान साहब के पास माशाल्लाह वैरायटी काफ़ी है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि पसंद कौन सी आती है, चले आपको बताएंगे कौन सी ली है फिर। हाँ जी, तो ये वाली जूती फाइनल हुई है जी, मैं लगाता भी अक्सर इसी तरह की हूँ, तो आज भी जो है यही ली है। तो खान साहब की हमारे डगार बाज़ार में शॉप है जी, तो काफ़ी वैरायटी है इनके पास, देख सकते हैं आप माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की। तो मैंने ये वाली ली है क्योंकि अक्सर मैं लगाता इसी तरह की हूँ, तो यही वाली ली हैं, सूट यही की हैं, और काफ़ी सारी देखी हैं तो पसंद नहीं आई, तो इंशाल्लाह ईद पर पहनेंगे। तो इंशाल्लाह इस बार ईद की कोई और शॉपिंग वगैरह, ईद के कपड़े भी मतलब वो ईद के लिए नहीं लिए थे, ईद से पहले ही हमने ले लिए थे वैसे ही, तो इतफाक से वो ईद पर ही लगाएंगे हम इंशाल्लाह, पहले लगाए नहीं हैं, लेकर भी कल हम दर्जी से लेकर गए हैं वो, तो भी चले आपको दिखाएँगे कौन से हैं क्या होंगे। तो अब टाइम क्या हो गया जी सकलैंड साहब, आज दिन बड़ा जल्दी गुजर रहा है, 1:50 हो गए हैं, तो आगे देखते हैं अब क्या क्या होता है इंशाल्लाह, आपके साथ मज़ीद शेयर करेंगे जो दिन। इधर गाड़ी दी थी वाश करवाने के लिए, तो गाड़ी लेते हैं और फिर जनाब चलते हैं, वो देखें वाश हो भी गई गाड़ी, वो लेते हैं फिर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी वाश हो गई, अब घर चल के खुद नहाना है और गाड़ी को घर छोड़ेंगे, फिर आगे शॉप पर इंशाल्लाह बैठेंगे, गप शप होगी, टाइम गुजर जाएगा इंशाल्लाह। तो अब देखते हैं आगे
मजीद क्या क्या मिशन होते हैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे जो जो होगा इंशाल्लाह। हाँ जी, तो बाल कटवा के सकलैंड ने भी कटवा लिए, अली भाई ने भी कटवा लिए और मैंने भी कटवा लिए बाल, शाल बालों शालों का काम डन। अब इंतज़ार है अफ्तारी का और फिर चांद रात का इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये दिन होते हैं, छोटी ईद बड़ी ईद कसाईयों की और छोटी ईद होती है बार्बर्स की। वो देखें पार सामने भाई वो भी लगे हुए हैं सुबह से काम में, तो हम भी बैठे हुए हैं। अब इंतज़ार है अफ्तारी का, अफ्तारी के बाद फिर रात का इंशाल्लाह, रात पे देखते हैं क्या क्या सीन होते हैं इंशाल्लाह, आपको दिखाएंगे जो कुछ होगा चांद रात को इंशाल्लाह, वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आज मुझे लगता है कि मेरा आज का दिन ऐसे ही गुजर जाएगा, घर घर से बाजार, बाजार से घर। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, ये गाड़ी घर मैंने पार्क कर ली है अपने वाली, और फिर गुस्ल वगैरह करूँगा, फिर दूसरी गाड़ी अली भाई वाली गाड़ी लाऊँगा, उसको वॉश करवाना है, वो दे दूँगा, फिर मैं शॉप पर चला जाऊँगा, फिर अली भाई चले जाएंगे वापस घर, वो जाकर गुस्ल वगैरह कर लेंगे। मैं बाज़ार से जा रहा हूँ, लेकिन आज हमारे बाज़ार में कुछ रश वगैरह इतना नहीं है, कोई पता नहीं क्यों रौनक शौनक नहीं है इस मज़े वाली, या देखें बिल्कुल नॉर्मल ही है। तो अब यही है कि चलते हैं घर, देखते हैं फिर क्या कुछ होता है आज। आज रोज़ा भी बड़ा लग रहा है, पता नहीं क्यों, आखिरी है ना तो ज़ाहिर है अपना असर दिखाएगा, तो बड़े सख्त ज़बरदस्त किस्म से जो है ना वो रोज़ा लग रहा है। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ नहाकर, वापस तैयारी कर ली है मैंने, 4:15 हो गए, तो अब चलते हैं आराम से इंशाल्लाह वापस शॉप पर, तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। धूप देख सकते हैं आप कितनी तेज़ है जी, तो शॉप पर चलते हैं, देखते हैं फिर क्या कुछ मिशन होते हैं आगे। वो जी अपनी गाड़ी मैंने उधर पार्क कर दी है, और इधर अब अली भाई वाली गाड़ी, इसको ले जाएंगे आप, इसको वॉश करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं, ये देखें जी काफ़ी गंदी है अभी, तो इसको भी ले चलते हैं वॉश करवाते हैं। तो वापस आ गए, वो सकलैंड गया है उधर से, समोसे घर वालों ने कहा था ले आना, तो वो लेने गया है। मौसम भी जो है बारिश वाला बना हुआ है, हो सकता है बारिश हो जाए, तो सकलैंड साहब जनाब समोसे ले आए जी। सकलैंड साहब क्या लाया है? समोसे। कौन से लाए हैं? चिकन वाले, चिकन लेकिन होती सब्जी है इनमें। चलें चलते हैं फिर घर इंशाल्लाह, चांद रात दिखाते हैं, चांद नहीं दिखाएंगे सिर्फ रात दिखाएंगे। हाँ रात दिखाएंगे, चांद हमें खुद नहीं दिखेगा इंशाल्लाह, जो भी होगा देखा जाएगा। रोज़ा वगैरह इफ्तार कर लिया है, अब जाना है मस्जिद में, क्योंकि मगरब की नमाज के बाद जो लड़के इतकाफ बैठे हैं उनको मतलब इतकाफ उठाना है, तो उसके लिए मस्जिद जाएंगे। चलें वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, कैसे क्या कुछ होगा, जो कुछ होगा वो भी आपको दिखाएंगे, रात के भी जो सीन होंगे वो आपको दिखाएंगे, और फिर इस व्लॉग का एंड करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आए। माशाल्लाह जो हमारे भाई इतका बैठे थे वो अपने अपने घरों में आ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया, इस वजह से आपको मतलब उनसे बातचीत भी नहीं हुई, दिखा भी नहीं सका उस तरह से। थोड़ा बहुत मैंने सीन कोई दिखाए जब मस्जिद से निकले थे वो आपको दिखाया है, और थोड़ा बहुत मैंने कुछ दिखाया सीन जो दिखा सकता था, लेकिन सब मतलब उस तरह के जिस तरह का मेरा दिखाना चाहता था, मैंने दिन से माइंड बनाया हुआ था उस तरह से नहीं दिखा सका। तो पर उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो अब हमने चलना है इंशाल्लाह बाज़ार, तो देखते हैं फिर इंशाल्लाह बाज़ार चल के जो जो होगा वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करें। शॉप पर आ गए हैं, तो मैंने पहले बताया है कि मैं मस्जिद पहुंचा तो इतकाफ वाले सारे लड़के उठ चुके थे, तो थोड़ा बहुत मैं जो कुछ रिकॉर्ड कर सका वो आपको दिखाया है। तो आप शॉप पर आ गए, इधर ही बैठेंगे, थोड़ी गपशप होगी इंशाल्लाह, तो फिर मजीद चांद रात यही ऐसे ही गुजर जाएगी हमारी इंशाल्लाह इधर ही बैठ कर। ये देखें जी नदीम साहब, नदीम साहब आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक जी आपको भी, मुबारक। माशाल्लाह सामने आज जो बड़ी ईद होती है वो कसाईयों की और छोटी ईद नहीं की, यही बात है। बाकी आप सुने आपकी ईद कैसी गुजर रही है? ईद कल शुरू हो गई है, आप समझ लें। सकलैंड साहब वो देखें, सकलैंड साहब अफ्तारी का, अफ्तारी अब ख़त्म है, ये क्या कर रहे हैं आप, क्यों डर रहे, क्यों दरी को आप बिछा रहे हैं जनाब? रोजे खत्म हो गए, रोजे खत्म हो गए ना जनाब, क्यों? हाँ इस पे, इस दरी पे हमने 3 रोजे खोले हैं मेरे ख्याल में, एक इधर शॉप पे,
एक दूसरा और एक तीसरा और एक, हाँ तीन चार रोजे हुए हैं। ये जी हम खाने पीने के लिए कुछ सामान ले आए हैं, चांद रात की हमारी पार्टी। अभी कुछ खास करने को था नहीं तो मैंने सोचा चलें व्लॉग का एंड कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो आप सबको भी ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। तो भाई को खास दुआ में याद रखिएगा, इंस्टा पे फॉलो मस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।